एक बात कहें, कथा हमने सुनी, ये कब आप इसको मानोगे कि मैंने कथा सुनी, कि आप कुछ समय के लिए ये भूल गए कि मैं कहां हूं, मेरा तन कहां है, मेरा मन कहां है, मेरा हृदय कहां है। ये विस्मृति, ये कथा सुनने का प्रमाण है। मैं कथा करते करते, सुनते सुनते, और आप सुनते सुनते यही भाव में रहो कि हम गांधी धाम में हैं, तो क्षमा करना, हमने 4 घंटे और 4 दिन केवल और केवल सत्संग किया, हमने वृंदावन को पाया नहीं। वृंदावन उस दिन पा लेंगे जिस दिन हम यही भूल जाएं कि हम गांधी धाम में बैठे थे, और ये होगा, मुझे विश्वास है ये होगा, आज ही होगा। अब आज अगर भूमिका में आ गया, मैं कोई पढ़ के नहीं बोलता, मन में जो भाव आते हैं मैं बोलता चला जाता हूं। अगर भाव आ गया कुछ ऐसा, हो सकता है हम सब लोग यहाँ, देह हमारा गांधी धाम में होगा लेकिन चित्त हमारा श्री वृंदावन में ही होगा। अभी तैयार हो रहा था अपने कमरे में, तब मन में चिंतन तो चलता ही रहता है, जो कुछ कहना है उस विचार का, और एक भाव मन में आया, वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है। वृंदावन जाया नहीं जाता है, वृंदावन पाया जाता है। पाने की जब बात आती है ना, तो वस्तु जो पाने के रूप में है वो मतलब किसी के द्वारा दी जा रही है, तो वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है। किसके द्वारा पाने का विषय है, तो हमारी श्री किशोरी जी के द्वारा पाने का विषय है। किशोरी जी प्रदान करती हैं वृंदावन, वृंदावन जाता नहीं है कोई, वृंदावन पाया जाता है। दूसरी बात, वृंदावन कोई एक नगर है यहां से 1200 किलोमीटर दूर, वहां जब आप ट्रेन से उतरोगे, अंदर जाओगे, तो ही वृंदावन आए हो, ऐसा नहीं है। वृंदावन तन के प्रवेश का विषय ही नहीं है, वृंदावन मन के प्रवेश का विषय है। जैसे कि स्कूल में, क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, ये उनके मन के प्रवेश से नहीं निर्धारित होता, वो तन से है तो उनकी प्रेजेंट लगेगी, है कि नहीं। स्कूल बच्चे जाते हैं तो क्लास टीचर सबका अटेंडेंस लेता है, नाम बोलता है, रमेश प्रेजेंट सर, महेश प्रेजेंट सर, और आदि आदि जो भी नाम, सब प्रेजेंट करके बच्चे बताते हैं कि हम उपस्थित हैं, तब उनकी प्रेजेंट होती है। ऐसी हमारे वृंदावन की जो क्लास टीचर हैं श्री किशोरी जी, वो भी सबकी प्रेजेंट लगाती हैं वृंदावन में, लेकिन वहां की विशेषता यह है कि वृंदावन में तन से जितने लोग घूम रहे हैं सबकी प्रेजेंट नहीं होती। अगर अभी आप फोन करके पूछो वृंदावन में कितने लोग हैं, तो वृंदावन से खबर आएगी कम से कम 4 से 5 लाख लोग वृंदावन में होंगे इस वक्त, लेकिन यदि गोलोक धाम में आप रजिस्टर उठा के देखोगे तो वृंदावन में प्रेजेंट कितनों की हो रही है, तो केवल 500, और वो 500 में से 100 ही होंगे वृंदावन में, बाकी के 300-400 कहां से हैं। तो बोले 50 दिल्ली के होंगे जो तन से दिल्ली में बैठे हैं लेकिन मन वृंदावन में होगा, जिसमें 100 बंगाल के होंगे, कुछ कलकत्ता के, कुछ बंबई के, कुछ चेन्नई के, और हो ना हो, इस वक्त यदि रजिस्टर वृंदावन का देखा जाएगा तो कम से कम 200 प्रेजेंट तो केवल गांधीधाम की ही होंगी। क्यों? तन से नहीं है, मन से प्रवेश। आप तो बहुत दूर से कोटा से आए हैं, देखो कथा सुनने कहां कहां से लोग पहुंच जाते हैं, ये सब देखो किशोरी जी की कृपा है। हमारे जाला जी आए हैं, वो राजकोट से सुबह सुबह पहुंचे हैं। अब इतना शॉर्ट टाइम में सब ये हुआ कि लोगों को, तो कईयों को पता चल रहा है तो भाग रहे हैं, कोई सूरत से भाग रहा है, कोई अहमदाबाद से भाग रहा है, सब आ जाएंगे 4 दिन के अंदर अंदर, और वो सब ही आ रहे हैं जिनको किशोरी जी बुला रही हैं। अब ये बात निश्चित है कि आप वृंदावन जाना नहीं है, वृंदावन आपको मिल रहा है, वृंदावन आप पा रहे हो। वृंदावन अद्भुत है। अच्छा एक बात, अभी कीर्तन प्रारंभ हुआ तो मैं वृंदावन 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 कीर्तन करा रहा था। कई बार क्या होता है, कथा के बाद में लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, तो मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी
श्री राधा नाम का कीर्तन कराओ, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कराओ, आप वृंदावन का कीर्तन करा रहे थे। वो नगर का कीर्तन होता है, कोई शहर का कीर्तन होता है क्या? वो दिल्ली 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 कीर्तन थोड़ी कराता है, कोई गांधी धाम कीर्तन थोड़ी। आप वृंदावन वृंदावन कीर्तन कराते हो, तो भाई ये बात, इस बात का प्रमाण स्पष्टीकरण करने के लिए है कि वृंदावन कोई स्थान नहीं है। जब आप मुख से वृंदावन बोलते हैं ना, वृंदावन वृंदावन बोलते ही श्री कृष्ण स्मरण, श्री राधा स्मरण, श्री यमुना जी का स्मरण, श्री गोवर्धन का स्मरण, श्री बरसाना का स्मरण, श्री नंद बाबा का स्मरण, यशोदा मैया का स्मरण, वृषभानु जी का स्मरण, कीर्ति जी का स्मरण, वृंदावन के सब संतों का स्मरण, वृंदावन की वृक्षवल्लरियों का स्मरण, वृंदावन की रज का स्मरण, वृंदावन में सप्त ठाकुर विराज रहे सबका स्मरण, केवल वृंदावन बोलने मात्र से कितने स्मरण हो जाते हैं, विचार करो। वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन मंत्र है। मैं तो अपने पथिकों से कहता हूं जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं कि भाई आप अपना गुरु मंत्र माला पर जपा करो, कोई सिद्ध गुरु ने मंत्र दिया उसको भी जपो। लेकिन मेरी एक ब्रजवासी की कहनी मान लीजिएगा, सब करने के बाद अंत में वृंदावन 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 जरूर करना, क्योंकि वृंदावन का स्मरण करते ही सबका स्मरण। आप केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलोगे तो केवल बिहारी जी को प्रणाम होगा, केवल राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो राधा वल्लभ जी को प्रणाम होगा, लेकिन वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम हो जाएगा। वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ भी नहीं है, वृंदावन साक्षात मंत्र है। और वृंदाव वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव ऐसा वृंदावन। उस वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें अधिकार दीजिएगा अपना। वृंदावन सबको अधिकार नहीं देता है, आपको पता है, महाराज जी भी मंच पे बैठे हैं, भागवत के हमारे शुद्धि सब ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं, सब राक्षस गए वृंदावन, पूतना को भी अधिकार वृंदावन में प्रवेश का मिल गया, अरिष्टासुर व्योमासुर केसी कालिया नाग सबको वृंदावन में प्रवेश मिला, लेकिन कंस को कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, कंस कभी वृंदावन नहीं आया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर। कृपा का अधिकार राक्षसों को भी मिला है, तभी तो भागवत में वर्ण हमारे शास्त्रों में आज्ञा देते हैं कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांक्षया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम तोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अहो वकीयम, अरे अहो बकासुर की बहन पूतना, अपने पयोधर में विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने उसको कौन सी गति प्रदान की मारने के बाद? पूतना की मृत्यु के पश्चात भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की, ठीक है स्वर्ग देते चलता, लेकिन स्वर्ग नहीं वैकुंठ दिया, ठीक है भगवान का स्पर्श मिला इसलिए वैकुंठ प्राप्त हुआ, वैकुंठ में भी सामान्य स्थान दे देते तो चलता नहीं, वैकुंठ में भी यशोदा मैया को जो गति कुछ वर्ष बाद मिलने वाली है वो गति ठाकुर जी ने पूतना को पहले ही दे दी। देवता सब चिंता में बैठे हैं, गंधर्व जन सब आश्चर्य कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने क्या किया, भगवान को जन्म देने वाली, भगवान का लालन पालन पोषण करने वाली मां को जो गति वैकुंठ में निश्चित है वो आपने पूतना को दे दी, क्यों? तो भगवान भागवत में कहते हैं स्तनम दत्वा सदगतिम, बोले
किसी का रिझाना हमको भाता है, किसी का भोजन बनाना हमको भा जाता है, किसी का श्रृंगार हमको भा जाता है, पूतना की मारने की स्टाइल हमको भा गई, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। जिघांग शया पिहरे स्तनम तत्वा सदगतिम, मारने के आशय से आई, लेकिन लोग शस्त्र अस्त्र से मारते हैं, वो अपने पयोधर से मारने आई मुझको। अरे पयोधर से भला कोई किसी को मारता है? वात्सल्य जब उमड़ता है मां का, तब पयोधर से दुग्ध प्रकट होता है और तभी बालक दूध पीता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध तो आया था, इसका मतलब पूतना ने क्षण भर के लिए इसे ही ठाकुर जी को वात्सल्यता से देखा है, इसलिए क्षण भर का वात्सल्य उसको सदगति प्रदान करता है। कहने का भाव, वृंदावन में तो राक्षसों को भी सदगति मिली है, लेकिन वृंदावन में कंस को प्रवेश नहीं मिला। हमारे रसिक जन वृंदावन की कथा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोले क्यों? बोले क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया था। अभी आगे आगे चलते जाओगे ना, ऐसा ऐसा रहस्य पता चलेगा आपको जो आपने कभी नहीं सुना। श्री वृंदावन में निवास हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं, वृंदावन में दर्शन ये सप्त निधियों के, इनकी भी कथा हम सुनाएंगे। और आज तो ऐसा कुछ हुआ है कच्छ में गांधीधाम में आके कि मैं भी प्रफुल्लित हूँ। हमारे प्रेम जी, हमारे जो संगीत के, हमारे जो सब टीम के, हमारे जितने भी मुखिया हैं सब यहाँ बैठे हैं, ये भी आज बड़े प्रफुल्लित हैं क्योंकि आज कच्छ में कुछ मिला है हमें। और क्या मिला है वो कथा के विश्राम में बताऊंगा। तो ये सप्त निधियां हैं हमारे वृंदावन की। दर्शन में हमारे वृंदावन में ठाकुर जी ही हैं। आप बिहारी जी जाओगे राधा रानी नहीं दिखेंगी, राधा वल्लभ जी जाओगे राधा रानी का दर्शन नहीं है, राधा रमण जी जाओगे राधा रानी नहीं है। किसी से पूछोगे श्री राधा रानी का नाम राधा वल्लभ, नाम राधा रमण, नाम राधा कुंज बिहारी, लेकिन राधा रानी कहां है? तो सब बताएंगे बगल में वो घूंघट करके बैठी हुई दिख रही है। एक घूंघट में आपको ऐसा दिखेगा कोई नवी नयेली बहू घूंघट करके बैठती है, ऐसे किशोरी जी बगल में बैठी हैं घूंघट करके, लेकिन वास्तव में किशोरी जी का दर्शन नहीं है वृंदावन में। क्यों? अब किसी राजा से मिलने जाओगे तो पहले सैनिक मिलते हैं और सैनिक परीक्षण करते हैं तब राजा से मिलवाते हैं। तो ये वृंदावन के सैनिक हैं सारे, हमको यही मिलते हैं, राजा तो श्री किशोरी जी हैं। वो किसी को अधिकार देते हैं तब किशोरी जी मिलते हैं। ये हमारे वृंदावन के द्वारपाल हैं, सब खड़े हैं इधर उधर। अच्छा, ये अधिकार भी हमारा है, आप गुजरात के लोगों का नहीं है ये बोलने का, ये ब्रजवासियों का अधिकार है। हम ठाकुर जी को सैनिक बोल सकते हैं, हम ठाकुर जी को द्वारपाल बोल सकते हैं। एक बार हमारे एक पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी ठाकुर जी ने हमारे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? बोले गीता का ज्ञान दे दिया हरियाणा वालों को, सोने की द्वारिका दे दी गुजरात वालों को, और ब्रजवासियों को क्या देके गए? चोर की उपाधि। मैंने कहा नहीं, ज्ञान दिया हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के मध्य, और संपत्ति दी गुजरात को, लेकिन खुद को दिया ब्रजवासियों को, अपनी बुद्धि दी हरियाणा को, अपनी संपत्ति ऐश्वर्य दिया गुजरात को, लेकिन खुद को न्योछावर कर दिया हम ब्रजवासियों के लिए। आज भी श्री जगन्नाथ में दोनों भुजा उठा करके खड़े हैं और मानो इसी भाव से खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आए तो उसको मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूँ मोहे नंद बाबा की यान। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? बोले ये मेरे प्राण है। किसी के प्राण उसकी संपत्ति में, किसी के प्राण उसके पत्नी में, किसी के प्राण उसके धन में, लेकिन हमारे ठाकुर जी के प्राण हम ब्रजवासियों में।
ब्रजवासी प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी खुश रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर, लेकिन कंस ने क्या कभी प्रयास नहीं किया वृंदावन आने का? किया, पूतना को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे, ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया। किया, जब देखा कंस ने कि सब मारे जा रहे हैं, तो कंस एकदम खुद आया। लेकिन बंधुओं, हमारा वृंदावन साधारण नहीं है। आप सबने कथा सुनी हो तो एक बार जब राज विहार हो रहा था तो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान सोमनाथ पधारे हमारे वृंदावन में। क्या हुआ था पता है? फिर वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। गोपियां बोली कि हे महादेव, आप भीतर नहीं जा सकते। तो महादेव बोले हमको रास करना। बोले रास में तो एक ही पुरुष जाएगा, वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं, आपको भीतर जाना है तो पुरुष वेश धार त्यागना पड़ेगा। और परिणाम यह हुआ कि महादेव वहां गोपेश्वर महादेव गोपी बनकर के विराजमान हो गए। इसकी तो एक प्रसंग भी आता है कि एक बार एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं कभी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। कभी कहीं स्त्री दिख भी जाती थी तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे और उनके साथ में कुछ लोग चलते थे, वो पर्दा करते हुए चलते थे। कहीं भी माताएं बहनें दिखती थी तो दौड़ के जाते, बोले साइड हट जाओ, कहीं छुप जाओ, हमारे महाराज जी आ रहे हैं। अब माताएं बहनों को बड़ा अजीब लगता था, बोले कि भाई हम ऐसे भी क्या है कि हमको देख ही नहीं सकते। एक दिन मीराबाई का दो ही काम, तीन ही काम थे वृंदावन में। एक तो जगह जगह दर्शन करना, संतों के मध्य में जाके कुछ सत्संग करना, और बिहरणी बन करके गाना। ये तीन ही काम थे वृंदावन में मीराबाई के। मीराबाई पूरी लिस्ट निकालती थी पूरे दिन कि आज किन किन संतों के पास जाना है। एक दिन उस लिस्ट में उन्ही संत का नाम आया जिन जो कन्याओं को स्त्रियों को नहीं देखते थे। मीराबाई को नहीं पता था, मीराबाई पहुंच गई। सैनिकों ने और जो संत के जो शिष्य थे उन्होंने रोका, बोले कि आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? हमारे गुरुजी का नियम है वो स्त्रियों को नहीं देखते। अच्छा, मीराबाई का कभी आप चरित्र सुनेंगे ना, अब हम बोले ही जाते हैं, साल दो साल कभी अगर अवसर होगा गांधीधाम में, फिर चार दिन के लिए मीरा चरित्र सुनाएंगे। हमने कभी मीरा चरित्र कभी नहीं कहा आज तक। लेकिन अब भक्तिपथ परिवार यहाँ है, हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, हमारे प्रेम जी और किरण जी, इनका पूरा परिवार है, सब मेरे ही हो गए हैं। तो कभी कभी मन होगा कि कुछ हटके कहना है तो हम आ जाएंगे गांधीधाम। हमारे लाल जी ने स्वीकार तो कर ही लिया है, तो कभी अवसर होगा साल दो साल में कभी तो तीन चार दिन के लिए मीरा चरित्र भी कहेंगे। बहुत सुंदर है मीराबाई का आप चरित्र सुनेंगे तो वहां पर अनुभव होगा कि श्री मीराबाई जो थी ना, थोड़ी सी भक्तिभाव तो उनके अंदर था, लेकिन थोड़ी सी हठीली भी थी। थोड़ा सा लड़ने झगड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपने बात को प्रमाणित कर देती थी। तो मीराबाई ने जैसे सुना स्त्रियों को नहीं देखते, हाथ जोड़ करके बोली, अच्छा तो मतलब आपके गुरु जी पुरुष हैं? शिष्य बोले कि क्या बात करती हो? बोले क्योंकि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, राधा रमण, उसके अलावा यहाँ तो महादेव भी स्त्री बनकर के बैठा है, यहाँ तो महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है, लेकिन आपके गुरु जी शायद महादेव के भी देव होंगे इसीलिए वो पुरुष हैं। चलो आप उनको मेरा निवेदन कर देना, हमने तो यही सुना है कि वृंदावन एक ही पुरुष है, बाकी सब यहाँ गोपी। और ऐसा कह के मीराबाई चली गई, शिष्यों से रुका नहीं, गया भीतर गए और जाके कहा, गुरुजी एक परम भक्ता आई थी, मीरा नाम है उसका, हमने मिलने से मना किया तो उसने कहा कि आपके गुरुजी का नियम स्त्रियों को नहीं देखते, लेकिन वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, हमें आज पता चला कि आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उनका मन, वो बड़े भजनानंदी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ठाकुर जी की रस में डूबे रहते थे, लेकिन मन में ना कहीं उनके थोड़ा विचलितपन रहता था। लेकिन आज मीराबाई के सूत्र से उनके मन का विचलन खत्म हो गया और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जब हम बहुत दुविधा में होते हैं ना, उस समय हमको उस दुविधा से कोई
निवृत्त कर दे तो नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं अपने आप। सहज तुरंत वो तो बोले, अरे कहाँ है वो, मुझे उसका दर्शन करना है। गए और मीराबाई का प्रथम दर्शन करके उन महाराज जी ने अपना स्त्रियों को ना देखने का नियम तोड़ दिया। बोले कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बता दिया कि भाई वृंदावन में एक ही पुरुष है। तो कंस ने एक बार प्रयास किया वृंदावन आने का। वृंदावन किशोरी जी की आज्ञा के बगैर नहीं जा सकते और गए भी। तो अब देखो, अब इस बात से प्रमाण होता है कि वृंदावन साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि हम कुर्ता पजम्मा में गए और वृंदावन जाके कि हम वैसे ही रह जाते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री भेष नहीं होता। अब देखो यही बात समझने की है कि वृंदावन दिखता कुछ है कुछ और। प्रकट और अप्रकट ये दो रूप हैं वृंदावन के। प्रकट में आपको दिखेगा कि सब पुरुष पुरुष घूम रहे हैं, लेकिन अप्रकट वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। और गोपी किसे कहते हैं? अब गोपी भी प्रकट रूप से स्त्री को बोलते हैं, लेकिन अप्रकट रूप से कौन? गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे, जिसकी आंखें उनका दर्शन, कान उनका श्रवण करना चाहे, नासिका उन्हीं को ही ग्रहण करना चाहे, जीव उन्हीं के चरणों के प्रसाद को पाए, पैर उन्हीं की प्रदक्षिणा करें, हाथ उन्हीं के करताल बजावें, प्रत्येक इंद्रिय जब कृष्ण को पाने के लिए तड़पती है, तब वही पुरुष भी गोपी कहलाता है। प्रकट रूप में गोपी एक स्त्री है, लेकिन अप्रकट रूप में जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का भजन करे वो गोपी। कंस ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, पैर रखते ही कंस एक गोपी बन गया। कहां मथुरा का राजा, कहां उसका ऐसा पराक्रम, लेकिन वृंदावन में किशोरी जी की कृपा के बगैर जैसे ही प्रवेश किया तो एक गोपी बन गया। और गोपी भी कोई बहुत सुंदर गोपी बना नहीं, बहुत कुरूपणी गोपी बना। ऐसी कुरूपणी गोपी की महाराज जो उसको देखे वो ही हंसे। कहां उसको मान प्रतिष्ठा यश वैभव का इतना लोभ था, इतना मद था, और आज उस पर सब हंस रहे। कंस रोने लगा, अपने आप को छुपाने लगा, ये क्या हो गया, ये लहंगा फरिया कहां से आ गए। जैसे तैसे जाके उसने यमुना जी में अपने आप को जब देखा तो नथनी राख में, कानों में कुंडल, और महाराज बिल्कुल वो तो प्रचंड गोपी बन गया। गोपी बोला, ये क्या हो गया मेरे साथ। तब कंस ने अपने गुरु जी को पुकारा। उसके गुरु जी कौन? श्री नारद जी। हमारे नारद जी सबके गुरु हैं, राक्षसों के भी गुरु हैं, देवों के भी गुरु हैं। नारद जी आए, बोले, अरे कंस ये क्या हो गया, तुम्हारा रूप तो बड़ा भयानक हो गया। बोले कि अरे पता नहीं क्या, जब से वृंदावन आया मैं तो कृष्ण को मारने आया था, लेकिन यहां पर आते ही ये क्या हो गया है, मेरा रूप बदल गया है। कुछ करो, मुझे कैसे भी बचाओ, मैं वापस मथुरा नहीं जा सकता। इस रूप में मथुरा गया तो मेरी रही कही जो थोड़ी बहुत जो मेरी सम्मान है वो भी नष्ट हो जाएगा। तब नारद जी ने जाके किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे श्यामा जू, कंस जो है आपने उसको गोपी बना दिया है। बोले मैंने नहीं बनाया, वृंदावन गोपी बनाता है, वृंदावन का प्रसाद है गोपी स्वरूप। पुनः याद रखिए, गोपी स्वरूप स्त्री भेष को नहीं कहते। वृंदावन का प्रसाद क्या है कि प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण के लिए रोए, वो गोपी है। ये वृंदावन का प्रसाद है, ये मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन श्री जी आप कृपा करो ना, ठाकुर जी की आगे की लीला में कंस वध कैसे होगा अगर वो गोपी रूप में रहा तो। तब किशोरी जी बोली, एक काम करो, उसको एक अपराध करना पड़ेगा वृंदावन में, तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। सुनो बात बहुत गहराई की, वृंदावन में उसको अपराध करना पड़ेगा तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। बोले अपराध क्या करना पड़ेगा? बोले किसी गोपी के यहां जाकर के और गोबर के कंडे थापने पड़ेंगे। कंडा समझते हैं आपके यहां, क्या बोलते हैं उसको? छाड़ा, छाड़ा। हाँ, तो गोबर का छाना थापना पड़ेगा। तो गोबर का छाना जब थापेगा तो वो जब सूख जाएगा, अब तो सुनो अपराध क्या है कि
किसी गोपी के यहाँ उसकी गाय के गोबर का छाना थापेगा और वो जब सूख जाएगा तब उसको चोरी करके किसी और गोपी को बेचेगा। ये अपराध जब करेगा तब कंस दोबारा राक्षस बनेगा। गोबर चुराने का अपराध जब करेगा तब राक्षस बनेगा। कंस को जाके नारद जी ने बताया, तब कंस ने ही अपराध किया। एक गोपी के यहाँ जाकर के उसने काम मांगा तो गोपी ने कहा हमारे यहाँ की गैयाओं की गोबर उठाया कर। तो कंस वहां गोबर उठाता था, उनका छाड़ा बनाता था और जब वो सूख जाते थे तो उनको चुरा करके दूसरी गोपियों को बेच देता था। इस अपराध की वजह से कंस दोबारा राक्षस बना और भागा फिर मथुरा। ये है वृंदावन। आज लोग वृंदावन आकर के कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, कौन सी राक्षस योनि मिलेगी उनको। खैर हमें अपराधों की चर्चा नहीं करनी, लेकिन हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु क्या है। तो वृंदावन जाया नहीं जाता, वृंदावन पाया जाता है। और पाया कैसे? श्री किशोरी जी की कृपा से। अब 7 दिन का एक नियम और समझिए, सॉरी 4 दिन का। वैसे आप लोगों को 4 दिन मिल रहे हैं, लेकिन हम फिर 2 दिन नारायण सरोवर भी जा रहे हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ कथा करेंगे। तो हमको तो पूरे 6-7 दिन ही मिल रहे हैं एक प्रकार से। तो 4 दिन का एक नियम और है कि अब यहाँ पर सामान्य कथा या सामान्य श्लोक या वैसे तो सामान्य नहीं है, सब श्रेष्ठ ही है, लेकिन यहाँ पर वृंदावन रसिकों की चर्चा ज्यादा होगी। और मैं पहले ही बता दूं कि वृंदावन रसिकों की चर्चा वृंदावन से बाहर करना एक प्रकार से निषेध प्राय है। वृंदावन से बाहर करना निषेध है, लेकिन वृंदावन कौन है? जहां रसिक जन मिल जाएं, जहां पर सब गोपी भाव कृष्ण को प्राप्त करने को बैठे हों, वो स्थान वृंदावन ही है। इसलिए ये परिसर वृंदावन है, इसलिए यहां मैं कर रहा हूं। तो रसिक जनों की हम चर्चा करेंगे। वृंदावन पाया जाता है और कैसे पाया जाएगा ये हमारे वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हरिराम व्यास जी बताते। अब मुझे ऐसे तो दिख नहीं रहे, लेकिन इन सातों में आपको युगल किशोर जी दिख रहे हैं? कहाँ हैं? इधर ही हैं। अच्छा, ये युगल किशोर जी, ये युगल किशोर जी जो हैं, ये श्री हरिराम व्यास जी के भजन से प्रकट हुए थे। आजकल श्री युगल किशोर जी जो हैं, ये पन्ना में विराजते हैं। पन्ना एक मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, बहुत बड़ा टाइगर नेशनल पार्क भी है वहां पर। बाकी पन्ना प्रसिद्ध इसलिए वहां हीरे होते हैं, वहां पर आप विराजते हैं। सातों ठाकुर प्रकट वृंदावन में हैं, लेकिन अब मुगलों के आने के बाद में कुछ कुछ ठाकुर वृंदावन से चले गए। तो अभी वर्तमान में आप पन्ना में विराजते हैं, लेकिन आप प्रकट किए गए श्री हरिराम व्यास जी के द्वारा। हरिराम व्यास जी कौन है, उनका चर्चा आएगा बीच में तो सुनाएंगे, लेकिन वो वृंदावन प्राप्ति का एक उपाय बताते हैं। जिस किसी को भी वृंदावन चाहिए, चाहे इस जन्म में मन बुद्धि वृंदावन की हो जाए, चाहे अगला जन्म हमको वृंदावन मिले, वो इस भाव का आश्रय ले। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, आहा, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे
मुझको ब्रह्मादिक तरसत जारज को ब्रह्मादिक तरसत जारज को ब्रह्मादिक तरसत जारज को कथा में कहा करता हूं और वो सब लोग सुनते हैं, जो भी वृंदावन आते हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन जाने का विषय नहीं है, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन पाने का विषय है और वृंदावन अनुभव का विषय है। हमारे महाराज जी रसगुल्ला खावे और मुझसे कहें कि महाराज जी रसगुल्ला बड़ा मीठा है, मैं कहूं कैसा मीठा है, ये कहें गन्ना जैसा मीठा है, मैंने कि गन्ना कैसा मीठा, बोले चीनी जैसा मीठा है, मैंने चीनी कैसे मीठी है। अभी कितना भी कहें मीठा मीठा मीठा, इनके कहने से मुझे मीठे का स्वाद नहीं आएगा, स्वाद तो खाने से ही आएगा। ऐसे ही वृंदावन अगर मैंने सुना दिया है ना, आप नहीं समझ पाओगे, वृंदावन अनुभव का विषय है। या रस को रस खान विलोकत, कहां विजातीय कुल में जन्मा रस खान, वो वृंदावन उसने ऐसा नहीं कि कोई वो वैष्णव कुल से था या सत्संग सुनता था, केवल रस खान के प्रसंग में ऐसा आता है कि रस खान जो थे ना वो सुंदरता देखने के बड़े आदी थे। रसखान का ये नियम था, उसको कहीं सुंदर स्वरूप दिख जाए या कोई सुंदर दिख जाए तो रसखान थोड़ी देर रुक जाते थे, उसको देखने लगते थे। एक बार कुछ हरी चर्चा करते हुए संतों को सुना तो वे ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, रसखान ने सुन लिया तो रसखान के तभी से मन में आया इतना सुंदर क्या हो सकता है, ये इतना सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे कमल नेत्र हैं, ऐसी नासिका, ऐसी मुस्कान, ऐसे घुंघराले केश, सांवले सलोने, त्रिभंग लली पीताम्बरी पहनते, अरे आप लोग ऐसे ही बोल रहे हो, इतना सुंदर कोई हो नहीं सकता। बोले रसखान कभी तो आएगा तेरे सामने, तब पता चलेगी। अब रसखान को क्या मतलब पड़ा था वृंदावन से, केवल वो तो आगरा से इंद्रप्रस्थ जा रहा था राजा की आज्ञा मान करके, लेकिन जैसे ही लखी जिन लाल की मुस्कान, वृंदावन में श्याम सुंदर ने कृपा कर दी और रसखान को जैसे ही दिख गए सदा के लिए वृंदावन का होके रह गया रसखान। राजा ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, वृंदावन आकर के रसखान को देख करके बोले अरे रसखान। बोले कौन रसखान? अरे तुम हमारे सेनापति हो,
रसखान बोले, हम किसके सेनापति, कहां के रसखान, कौन है, हमें कुछ नहीं पता। हम श्याम सुंदर के श्याम सुंदर, हमारे केवल हमको इतना पता है, सदा के लिए वृंदावन के हो गए। तो कहने का अभिप्राय, वृंदावन सुनने का और वृंदावन जानने का विषय नहीं है, वृंदावन तो अनुभव का विषय है। वृंदावन अनुभव से ही प्राप्त होता है। बहुत सावधानी से सुनो। तो वृंदावन विषय में हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन को यदि जानना है तो पहले श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी के स्वच्छंद रूप को समझो। आज लोग यही नहीं जानते कि श्री राधा रानी कौन है, श्याम सुंदर कौन है, उन दोनों का भाव ही नहीं समझते लोग। और अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है कि ठाकुर जी ने विवाद रुक्मणी जी से किया, 16,108 पटरानियां ठाकुर जी की थी, तो एक ब्याह और कर लेते राधा रानी से, जब इतने कर ही रहे थे तो एक और कर लेते, क्या दुविधा आ रही थी ठाकुर जी को। जब प्रेम ही किया, सब जगह इतना नाम ठाकुर जी का श्री किशोरी जी के साथ में है, ब्याह भी कर लेते। मैं अपनी कथा में इस बात का स्पष्टीकरण करके चलता हूं कि बंधुओं, किशोरी जी ब्याह सदैव अपने से विलग जो हो उससे किया जाता है, किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। श्यामा जी कौन है, श्री ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है श्री किशोरी जी। रुक्मणी आदि पटरानी, इनके विषय में प्रसंग आता है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय था और सारे द्वारिका के लोग यज्ञ के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, और उसी समय कुरुक्षेत्र में ब्रज वृंदावन के लोग भी आए थे, ब्रजवासी जन भी आए थे। तो जब द्वारिका के लोगों को पता चला कि हमारे द्वारिकाधीश का वृंदावन यहाँ आया है, वैसे आज भी द्वारिका में ब्रजवासी पहुंच जाए तो द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और हम जैसे पहुंच जाए शैतान ब्रजवासी, तब तो पूछो ही मत। मैं तो द्वारिका साल भर में 3-4 बार जाता हूं, और बताऊं आपको सत्य बात, वहां के पुजारी जी अपने चित्रांग जी उनको भी पता है और वहां के कई लोगों को पता है, मैं द्वारिकाधीश का विशेष रूप से दर्शन या तो संध्या आरती में करता हूँ या फिर श्रृंगार आरती में करता हूँ। उसके पीछे भी कारण है, और कारण पता है क्या है, क्योंकि केवल संध्या और श्रृंगार आरती में ही द्वारिकाधीश वंशी धारण करते, मुरली धारण करते, बाकी के समय सब गुजरात के लोग वंशी दूर रखते हैं हमारे ठाकुर जी से, क्यों, कहीं बंसी देखेंगे तो कहीं ब्रज की याद नहीं आ जाए इनको, इसलिए हमारे, ये विनोद की बात है। लेकिन उस समय ठाकुर जी मुरली मनोहर है, भले द्वारिकाधीश है, राजाधिराज है, लेकिन हमारो लाला तो वंशी जब धारण करे ना तभी भाव आवे वाकु देखवे में। अच्छा, ब्रजभाषा आपको समझ में आएगी, मुझे तो हिंदी बोलने में डर लग रहा है, लेकिन ब्रजभाषा अगर बोलूं बीच बीच में तो समझ पाओगे ना। तो हम ब्रजवासी ने तो लाला को मुरली मनोहर रूप में ही देखवे में भावे हमें तो। तो कई बार हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते हैं और महा जय जयकार होती, राजा धीराज महाराज वसुदेव नंदन रुक्मणी रमण श्री द्वारिकाधीश की, रण छोड़ राय भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हम ब्रजवासी बड़े चतुर हैं, मैं जब जब द्वारिका जाता हूं हम जोर से बोल देते, बोल ब्रजभानु के जमाई की। ब्रजभानु जी कौन, श्री राधा रानी के पिताजी, और उनके जमाई कौन, ठाकुर जी। तो अभी पिछली बार जब मैं गया था, ध्वजा का ही कार्यक्रम था, तो 56 भोग हमारे लाल जी मनोरथी थे, हमारे गिरधर लाल जी, उनकी तरफ से जब मनोरथ हुआ तो सब जय जयकार हुई, अंत में मैंने जोर से बोला ब्रजभानु के जमाई की जय। तो चित्रांग जी बोले, नहीं ये नहीं बोल सकते आप, हमारी रुक्मणी जी रूठ जाएंगी, हमारी सब पटरानियां रूठ जाएंगी। मैंने कहा सब रूठ जाएंगी लेकिन लाला तो खुश है जाएगा, मैंने कहा हमारे ठाकुर जी तो खुश है जाएगा, और रूठे भले रूठे तुम मत रूठो मालाधारी, हम तो उनको प्रसन्न करने आए हैं।
अब कोई वृषभानु के जमाई की जय द्वारिकाधीश में बोलते तो मैं सत्य बता रहा हूं, द्वारिकाधीश आंख मूंद के बैठे रहते हैं पूरे दिन, लेकिन यदि कोई वृषभानु के जमाई की जय बोलते जोर से तो द्वारिकाधीश की भी आंखें खुल जाती होंगी, बोले कौन आया भैया, धीरे बोलो, रुक्मणी सुन लेगी पीछे। तो प्रसंग आता है कि सब द्वारिका के लोग गए कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में हमारे सब ब्रजवासी भी गए थे, तो सब द्वारिका के लोगों ने मन बनाया, बोले कि अरे ब्रजवासी आए हैं, हमारे ठाकुर जी के सब प्रिय ब्रजवासी आए, चलो दर्शन करके आते हैं। सब दर्शन कर रहे थे, ये नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये है, सबके दर्शन हो रहे थे। लेकिन कृष्ण पटरानियों को एक प्रलोभन था, बोले राधा रानी आई, ये द्वारिकाधीश उनका बहुत स्मरण करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, देखो देखो ये राधा रानी है कौन। तो कृष्ण पटरानियां हैं, सबको अपने रूप का तो भाव है ही है कि हम बहुत त्रिलोकी सुंदरी हैं, सब अपने सौंदर्य का भाव लेकर के हमारी श्री जी को, हमारी श्यामा जी को देखने के लिए गए। अच्छा एक बात और बताऊं, गुजरात में वृंदावन रसामृत करा तो रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं हो कहीं दो पक्ष बट जाएं, ये वृंदावन वारे और ये द्वारिका वारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो श्यामा जू वही, हम तो ये तक कह देते हैं, हमारी माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। द्वारिका में नहीं हो सकती है वृंदावन रस चर्चा, कच्छ में फिर भी संभव है, द्वारिका में तो मेरी कभी कभी जोर से लड़ाई हो जाती है वहां के पुजारियों से। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जोर से वैसा होती है, प्रेम भाव में ही होती है, उसको प्रणय कलह प्रेम भरी नोक झोंक होती है। वो कहते हैं कि तुमने हमारे लाला को केवल माखन मिश्री के पर रखा, हमने तो यहाँ 56 भोग धराए। मैंने कहा ये भाव रखो कि हमने लाला तंदुरुस्त करके भेजा द्वारिका, माखन मिश्री खिला के बढ़िया भेजा, तभी लड़ पाया राक्षसों से, ऐसे चलती रहती है वहां। तो सब कृष्ण पटरानियां राधा रानी का दर्शन करने गई, और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, सबको अपने रूप का अभिमान कि हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश हमारे पति परमेश्वर हैं, ये राधा रानी क्या देखे हमारे सामने, देखे तो सही। और जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया, परम सुंदरी मृगनयनी मुस्कुराए तो मानो ऐसा लगे मोतियों जैसे मुस्कान, ऐसे घुंघराले केश, इतने सुंदर वस्त्र कि रूप की उपमा सुनाई नहीं जा सकती। कमल को हटाओ और उस कन्या को रखो, इतनी सुंदर। उस रूप को देख करके कृष्ण पटरानियों ने यह तो मन में विचार कर लिया कि भाई हम कुछ नहीं है इनके आगे। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, बोले हमारा प्रणाम स्वीकार करो हे श्यामाजू, हे वृषभानुनंदिनी, हे श्री राधा रानी, हम सब कृष्ण पटरानी हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया, बोले कि रुक्मणी जी मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी। रुक्मणी जी बोली सुनो, तुम लोगों में सामर्थ हो तो भीतर चलना, नहीं तो आधे यहीं से लौट जाओ, दासी को देख करके हमको मूर्छा हो रही है, भीतर जा पाएंगे हम। कहने का अभिप्राय यहां पर सौंदर्य के नाप तोल का नहीं है, अभिमान शून्य जब तक नहीं हो गए तब तक किशोरी जी को नहीं देख सकते। हमारे वृंदावन में श्याम सुंदर दिखते हैं लेकिन किशोरी जी का दर्शन नहीं है, क्योंकि अभिमान युक्त होकर के हम जाते हैं, और यदि आप अभिमान विहीन होकर के चले गए ना तो आपको वंशी पकड़े भी शायद ऐसा लगे किशोरी जी खड़ी हैं, श्याम सुंदर में श्यामा जी का दर्शन हो जाए। और स्थिति ये कि जब रुक्मणी जी भीतर प्रवेश करती है तो और सुंदर एक कन्या का दर्शन हुआ, प्रणाम करते हुए कहा आप राधा रानी हैं, बोले नहीं मैं भी दासी हूं, और अंदर जाओ। और अंदर गए, कम से कम 7 कन्याओं का दर्शन किया, और पहली वाली से अगली वाली उससे दुगनी सुंदर होती है।
स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रुक्मणी जी ये भी भूल गई कि मैं रुक्मणी हूं। जब इस परिणति में पहुंच गई तब भीतर प्रवेश किया, असंख्य सुंदरी नारियां चारों तरफ बैठी थीं और मध्य में तप्त कांचन गौरांगी, बिल्कुल कंचन जैसा वर्ण, मानो जैसे चंद्रमा चमक रहा हो, चंद्रमा भी लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदरता को बिखेर रही परम सुंदरी परम सुकोमला कृष्ण और धारिणी श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी की स्थिति यह हुई कि किशोरी जी को देखते 3 दिन तक मूर्छित पड़ी रही वहीं, और जब होश आया जैसे तैसे जल का छिड़काव करके रुक्मणी जी को होश आया और रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो फिर से किशोरी जी को देख लिया, फिर 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। तब चरण में प्रार्थना करते हुए अपनी चरण शरण रहने की आज्ञा मांगी। ऐसी है हमारी श्यामा जी, ऐसी है हमारी किशोरी जी। कभी कभी मन में भाव आता है कि जीव का कल्याण हो सके इसलिए ठाकुर जी ब्रज से अकेले ही आए, किशोरी जी को वहीं छोड़ के आए कि आपके रूप का, आपके भाव का, आपकी भक्ति में सबका प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो रस चंचरीक है, जिसको रस का रस मिला है, जो रस में ओतप्रोत है, वही श्री जी को पहचान सकता है। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा, जब रुक्मणी जी बाहर आई तो जो अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी कैसी दिखती हैं। रुक्मणी जी बोली, वर्णन का विषय नहीं है लेकिन फिर भी तुम बहुत पीछे पड़ रहे हो कि राधा रानी का रूप बताओ, तो मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि पूरे दिन के थके हारे श्याम सुंदर जब शाम को अपने शयन शैया पर लेटते हैं, अपना श्रृंगार उतार करके थके हारे श्याम सुंदर जब पौड़ जाते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल देते हैं, पीताम्बरी थोड़ी उधरी सी होती है, धोती थोड़ी उधरी सी रहती है, मुखमंडल पर एक एक थकान के कारण निद्रा प्रकट हो जाती है, उस समय के श्याम सुंदर का वर्ण यदि गौर वर्ण कर दिया जाए तो लगेगा कि मानो श्री जी लेटी हुई। ऐसी है हमारी श्यामा जी। तो भैया ये श्री जी और वृंदावन का चर्चा का जो विषय है ना, इसको केवल सुन भर लो, बाकी इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाना, ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। इसमें ज्यादा ज्ञान का प्रवेश मत करवाना, ये उसका विषय ही नहीं है। कल महाराज जी मेरे को बोल रहे थे, तो बोले कि महाराज जी वेदांती आएंगे, वो भी आएंगे और आदि आदि सब आप मुझे तो बता रहे थे सब आएंगे। मैंने कहा महाराज वृंदावन में तो केवल रस चंचरीकों का प्रवेश है, वृंदावन में बुद्धि लगानी ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो बस सुनिएगा, मैं बहुत रोक रोक करके विषय आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि वृंदावन का रस सामान्य साधारण नहीं है, इसलिए आप लोग अधिकारी बन के केवल भाव से प्रवेश कर जाना, बुद्धि मत लगाना उसमें कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे संभव है। वृंदावन है तो सब संभव है और वृंदावन में सब संभव है। ऐसा वृंदावन महाराज जी जब बोल रहे थे तो आपने भागवत का एक श्लोक बोला, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। श्रीमद् भागवत में ये बात कहीं नहीं है जो वृंदावन के लिए। ठाकुर जी गोकुल में भी रहे, ठाकुर जी मथुरा भी गए, ठाकुर जी द्वारिका भी गए, ठाकुर जी हस्तिनापुर भी गए, लेकिन जब वृंदावन जाते हैं तब श्री शुकाचार्य जी क्या कहते हैं कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। आहा, ये बात ही प्रमाण दे देती कि वृंदावन कैसा है। बोले ज्यो ज्यो श्याम सुंदर वृंदावन में चरण रख रहे हैं पहली बार, त्यों त्यों श्याम सुंदर के रोए खड़े हो रहे हैं, त्यों त्यों श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं, त्यों त्यों श्याम सुंदर के नेत्र जल से भर रहे हैं। एक एक ऐसी स्थिति होती है, कई बार प्रेमी जन कहते हैं कि मैं ब्याह इसी से करूंगा, क्यों, ये चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे बिल्कुल पूछे ना, चाहे मेरे साथ बुरे से बुरा करे, लेकिन मैं इसी के साथ ही रहूंगा। ठीक यही स्थिति ठाकुर जी की वृंदावन के प्रति है।
वृंदावन में चाहे हमको भोजन नहीं मिले, वृंदावन में चाहे हमको आरती ना मिले, वृंदावन में चाहे हमको दर्शनार्थी ना मिले, लेकिन हम रहेंगे वृंदावन में। ये बात और किसी स्थान के लिए है ही नहीं। वहां जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकी नाथ जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वो वैकुंठ जिस वैकुंठ की सराहना वेद भी करते हैं, जिस वैकुंठ की उपमा का वर्णन देवादिदेव महादेव तक करते करते हार जाते हैं, वो वैकुंठ पति जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तब शुकाचार्य जी कहते हैं वो वैकुंठ नाथ को इतना सुख वैकुंठ में भी नहीं मिलता जितना सुख वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन प्रवेश करने में उनको जितना सुख मिल रहा है। क्यों? ऐसा क्या है वृंदावन में जो श्याम सुंदर को इतना प्रिय है, जो हमारे ठाकुर जी को इतना आकर्षित कर रहा है, जो त्रिलोकी नाथ, जगत नियंता, जगदाधार, जिसको जो किसी के अधीन नहीं है, जिसको किसी के अधीन रहने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे वो त्रिलोकी नाथ वृंदावन आकर के इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? भागवत में भगवान के विराट रूप का वर्णन, गीता में भगवान के विराट रूप का वर्णन जब किया जाता है तब वहां पर तो बताया जाता है कि सारा विश्व भगवान के उदर में विद्यमान है, सब कुछ भगवान के दृष्टिगोचर होता है, सब कुछ भगवान का ही है, तो ये वृंदावन इतना सुख क्यों दे रहा है ठाकुर जी को? तब हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों ने बताया कि वृंदावन इतना सुख श्याम सुंदर को क्यों दे रहा है। और इस भाव को कहते हुए रसिकजन कहते हैं कि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, वृंदावन का निर्माण ब्रह्म के द्वारा नहीं हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ है। श्रीधाम वृंदावन का निर्माण स्वयं श्री जी ने किया है, स्वयं हमारी किशोरी जी ने किया है। कैसे? गोलोक धाम में श्री जी विराजती हैं और श्री जी वहां पर अपने ही निर्मित वन में रहती हैं, उससे बाहर कहीं नहीं जाती। ठाकुर जी सब क्रिया देखते हैं, सृष्टि के सृजन पालन संहार में भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, 33 कोटि देवता भी आते हैं ठाकुर जी उनसे मिलते हैं, लेकिन श्री जी अपने निर्मित वन में ही रहती हैं, जहां पर श्री जी स्वयं एक एक पौधा अपने हाथ से लगाती हैं, एक एक वृक्ष के पत्ते को अपने हाथ से सुकोमल बनाती हैं, एक एक पुष्प, एक एक गली, एक एक चौबारा, यहां तक कि श्रीधाम वृंदावन का एक एक कण धूल का वह भी किशोरी जी ने नियोजित किया है। लेकिन जब ठाकुर जी वृंदावन पधार रहे थे, पृथ्वी पर पधार रहे थे कृष्ण अवतार के लिए, तो श्याम सुंदर नित्य विहार करते हैं गोलोक धाम में, नित्य उनकी लीला चलती रहती है। वैकुंठ में वो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन गोलोक धाम में ठाकुर जी अपने नित्य लीला में रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि हम दफ्तर में सर होते हैं, हम दफ्तर में बॉस होते हैं, लेकिन अपने घर पर अपनी पत्नी के पति हैं, बच्चों के पिता हैं, भाइयों के भाई हैं, बहनों के भाई हैं, माता पिता के पुत्र हैं, ऐसे ही ठाकुर जी का दफ्तर है वैकुंठ और निज स्थान है गोलोक धाम। तो ठाकुर जी की नित्य लीला गोलोक धाम में चलती रहती है, लेकिन जब ठाकुर जी के पास प्रस्ताव आया कि भाई अवतार धारण करना पड़ेगा, तो भगवान बोले अब कृष्णावतार धारण करेंगे, तब श्री जी से जाकर के ठाकुर जी ने कहा क्यों ना आप और हम दोनों चलें, और ज्ञान वैराग्य भक्ति सबका तो स्थापन होता ही है, इस बार निष्काम प्रेम की स्थापना करके आएंगे, आप चलो संग में। श्री जी बोली हम नहीं जाएंगे। क्यों? यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति, जहां पर ये तीनों नहीं है, वृंदावन नहीं है, यमुना जी नहीं है और श्री गोवर्धन नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाती, मेरा मन इन तीनों से ही लगता है, क्योंकि इन तीनों का निर्माण मैंने ही किया है, अपने सुख के लिए किया है। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के भाव को स्वीकार करते हुए किशोरी जी के निर्मित गोवर्धन, यमुना और श्री वृंदावन को पृथ्वी पर व्यवस्थित किया।
और उसी वृंदावन में जब श्याम सुंदर प्रवेश करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया है, वृंदावन का निर्माण स्वयं श्री जी ने किया है। वृंदावन का एक एक वृक्ष, एक एक गली, एक एक चौबारा, एक एक पत्ता सब हमारी श्यामा जी के द्वारा निर्मित है। उस वृंदावन में ठाकुर जी जाकर के परम सुख को प्राप्त करते हैं। अब देखो ठाकुर जी तो पहुंच गए, अब बात आती है हम लोगों की, वृंदावन हमें कैसे प्राप्त हो। तो चार बातें शास्त्रों में मुख्य रूप से कही गई, नाम रूप लीला और धाम। सबसे पहला, वृंदावन यदि प्राप्त करना है तो नाम आश्रित हो जाइए, नाम का आश्रय लीजिए। नाम का आश्रय लेने से धाम की प्राप्ति होगी। जब तक आप नाम आश्रित नहीं होंगे, माफ कीजिए, आपके तन को भले ही धाम मिल जाए लेकिन मन को धाम नाम ही दिलवाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबसे पहले नाम का आश्रय लीजिए। हमारे वृंदावन में परम धन राधा नाम आधार, हमारे यहां परम धन क्या है? श्री राधा रानी का नाम। अब जब चर्चा ही वृंदावन की है तो वृंदावन श्री जी और श्याम सुंदर यही चलते रहेंगे। तो वृंदावन यदि प्राप्त करना है, मतलब धाम यदि चाहिए, तो नाम का आश्रय लो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, बस नित्य इसी को गाते रहो। मुझे श्लोक स्मरण नहीं है, मैं आज रात्रि गुरु जी से पूछ के कल सुनाऊंगा, महाराज जी भी बैठे हैं। एक जगह का कहीं का श्लोक है कि जैसे ही व्यक्ति राधा बोलता है तो ऐसा कहते हैं कि रा बोलते ही ठाकुर जी का वैकुंठ में सिंहासन हिलने लग जाता है। कहीं धातु नहीं बोल रहा है? क्यों? क्योंकि राधा बोलेगा तो राधा सुनने के लिए ठाकुर जी सन्मुख प्रकट हो ही जाते हैं। दिखते नहीं है लेकिन आते जरूर हैं। अभी मैंने चार बार राधा बोला तो चार बार वैकुंठ से अप डाउन हो गए होंगे ठाकुर जी। तो जब हम राधा शब्द, वो पूरा श्लोक है, मैं कल सुनाऊंगा उसको, रा शब्द का उच्चारण करते ठाकुर जी 100 काम छोड़ करोड़ काम छोड़ के भागते हैं। क्यों? क्योंकि धा सुनते ही ठाकुर जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, इतना प्रिय है। तो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, इस नाम का आश्रय ले लो। नाम क्या करता है बंधुओं? नाम औषधि है। क्या है? औषधि। औषधि यानी कि दवाई, मेडिसिन। इसका जितना सेवन करोगे, अच्छा एक और बात, अब देखो यहां पे भी बात कहने की, नाम बोला नहीं जाता, नाम पिया जाता है। उसकी क्रिया बोलने की है लेकिन नाम का सेवन किया जाए, श्री राधा, श्री राधा, बोल मुख रहा है लेकिन अंदर ऐसी अनुभूति होती कि श्री राधा भीतर प्रवेश कर रहा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, इस औषधि का पान करने से क्या होता है? व्यक्ति के हृदय में, बुद्धि में, मन में जितने विकार हैं, जितने दोष हैं, उन सबको राधा नाम औषधि के मात्र जाकर के चिकित्सा करता है। व्यक्ति यदि रोगी है और विशेष रूप से अगर कोविड उसको हो रखा है तो वो प्रतिबंधित है, उसको सब जगह ले जाने का अधिकार नहीं, यहां तक कि कमरे से भी निकलने का अधिकार नहीं है। घर के लोग भी उसको कमरा में बंद करते हैं, बाहर मत आना, क्यों? तुमको रोग हो रखा है। ठीक उसी प्रकार जब हम रोग से ग्रसित हैं, सांसारिक रोग, सांसारिक व्यसन, सांसारिक भोग विलास, ये सब रोग हमको लगे हैं, तब वृंदावन जाने का अधिकार हमको नहीं होता। शरीर से भले ही हम चले जाते हैं लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं होती वहां पर। इसलिए वृंदावन जाने से पूर्व श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा नाम का आश्रय। नाम का आश्रय जब हम लेंगे तो नाम आश्रय से विषाद, हमारे हृदय के रोग, हमारे हृदय की दूषितताएं दूर होंगी। उसके बाद तन भले ही ना जाए लेकिन मन वृंदावन पहुंच जाएगा। मन का उपस्थित होना वृंदावन में बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले नाम का आश्रय लो। हमारे यहां सबने यही कहा कि नाम आश्रित हो जाओ। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, ये तो हम कथा में सुनाते हैं, श्री ठाकुर जी से भी बड़ा श्री राधा जी का नाम है, ठाकुर जी का नाम है।
वृंदावन उपासकों को श्री राधा नाम आश्रित होना चाहिए। नाम दिलाता है धाम। भक्तमाल जी में एक कथा आती है, एक राजा हुए, उन राजा का नाम था चंद्रपाल। क्या नाम था? जोर से बोलो। चंद्रपाल राजा जो थे, ये शरीर से रहते थे राजस्थान का एक नगर है करौली, वहां के राजा थे चंद्रपाल राजा। ध्यान से सुनना, नाम व्यक्ति को कैसे वृंदावन में ले जाता है। फिर भले ही आप गांधीधाम रहो, कच्छ रहो, गुजरात रहो, सूरत रहो, बड़ौदा रहो, अहमदाबाद रहो, कहीं भी रहो, नाम यदि आपके पास है तो धाम आपका है, धाम में ही आप हो, यही विश्वास आपको मानना है। तो चंद्रपाल राजा थे करौली में, वो इतने नाम आश्रित थे कि नाम ने उनको पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के योग्य बना दिया था। शरीर से राजा थे, रहते करौली में थे, लेकिन नित्य श्रीधाम वृंदावन में ही उनका स्थिति रहती थी, वृंदावन का ही अनुभव करते थे। अब चंद्रपाल राजा की बात तो चलो पहली बार आपने सुना, इनका नाम आपने नाम सुना होगा रैदास, नाम सुना है। श्री रैदास जी की स्थिति ऐसी बताते हैं कि श्री रैदास जी को एक दिन स्नान करते हुए नदी में ठाकुर जी मिल गए, तो रैदास जी उनकी सेवा करने लगे, अपनी कुटिया में रैदास जी को ले आए, रैदास जी ठाकुर जी को ले आए। तो रैदास जी का नियम था, वो विचरण बहुत करते थे, धामों में घूमते ही रहते थे, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारिका, कभी वृंदावन, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जब से ठाकुर जी आ गए, रैदास जी का निकलना बहुत कम हो गया। क्यों? ठाकुर जी के अनुकूल भोग की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, ये सब नहीं हो पाती थी। तो श्री रैदास जी एक ही जगह पर अपनी कुटिया में ही रहते थे, लेकिन उनका बड़ा मन होता था कि हम कहीं जाएं, कहीं जा नहीं पाते थे। तो रैदास जी ने एक युक्ति अपनाई और उन्होंने अपनी कुटिया में ही कोनों को नाम दे दिए। कुटिया का वो कोना बद्रीनाथ, कुटिया का ये कोना श्री वृंदावन, कुटिया का वो कोना जगन्नाथपुरी, ये कोना द्वारिका धाम, ऐसे करके कुटिया में बहुत सारे नाम और नामों की नेम प्लेट लगा दी जगह जगह। रैदास जी क्या करते, बीच में बोले रैदास की कुटिया, वहां पर ठाकुर जी का श्रृंगार करते, श्रृंगार आदि करके ठाकुर जी तैयार हो गए, चलो अब कहाँ चलोगे घूमने, चलो अयोध्या जी चलते हैं। सारा सामान वामान सब लगाते, भोजन की सामग्री रखते, ठाकुर जी का बैग लगाते, अपना बैग लगाते, सब लगा के ठाकुर जी को गोद में उठाते। कुटिया में ही एक स्थान का नाम अयोध्या था, वहां ले जाके ठाकुर जी को विराजमान, जय हो श्री अयोध्या धाम की जय, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे वाह देखो कितनी सुंदर सरयू जी बह रही हैं, कैसी सुंदर हवा बह रही है, राम राम करते लोग घूम रहे हैं। और पूरे दिन इसी स्थिति में रहते थे कि मैं श्री अवध में हूँ, श्री कनक बिहारी जी सामने बैठे हैं, श्री श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सरयू जी बह रही है, ऐसे भाव में रहते। दूसरे दिन कहते, लाल जी बड़ा अच्छा अयोध्या का भ्रमण रहा, अब इच्छा हो रही है थोड़ा बद्रीनाथ दर्शन करने चलें। तो उस दिन श्रृंगार करके सब सामान फिर उठाते, एक कोने का नाम बद्रीनाथ, वहां पहुंच जाते। जय हो बद्रीनाथ, कैसी सुंदर हवा चल रही है, देखो कितना सुंदर हिमालय, गंगा जी बह रही है, जय हो नाथ, बड़ी कृपा आपकी जो मुझे इतना घुमा रहे हो। अब ये तो थी कुटिया के अंदर की स्थिति। स्थिति करते करते ये हो गया कि श्री रैदास जी जब बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते थे ठाकुर जी को लेकर के, तो भले ही जेठ का महीना हो, जून जुलाई का महीना हो, वो अपने ठाकुर जी को सॉल पहनाते, कंबल पहनाते अंदर कुटिया में, अरे बद्रीनाथ में है ठाकुर जी, हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, ठाकुर जी आप सॉल पहन लो, अंगीठी रख देते सामने, अग्नि प्रज्वलित करते, ठाकुर जी को तपाते, और बाहर जुलाई का महीना। स्थिति ये हुई कि महाराज एक बार श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए और जेठ के महीना में उनके गांव में बर्फ गिरने लग गई। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया, यदि सर्दी के महीने में लू चलने लग जाती तो समझ जाते जरूर आज रैदास अपने ठाकुर जी को दक्षिण ले गया होगा, इसलिए गर्म हवा चल रही है।
और कभी गर्मी के महीना में बर्फ गिर जाती, बोले अरे आज रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंचे होंगे जरूर। ये स्थिति, इसका मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि हमारा तन का उपस्थित होना सांसारिक विषय है, हम तन से कहीं उपस्थित हों, लेकिन मन का उपस्थित होना कहीं पर ये भक्ति का विषय है, ये भाव का विषय है। और वृंदावन तन की प्रेजेंस मांगता ही नहीं है, वहां तो मन का ही प्रेजेंट होना जरूरी है। तो चंद्रपाल राजा बलि करौली में रहते थे, लेकिन मन ऐसा था उनका कि वो सदैव वृंदावन का स्मरण करते थे। अष्ट सखा हमारे, मैं अष्ट सखाओं का ज्यादा गायन करता हूं कथाओं में भी, तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि भैया तुम ठाकुर जी को अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी तुमको अपना में ये बड़ी बात है। ठाकुर जी को तो सब अपनाते हैं, चोर भी कह के जाता है, हे द्वारिकाधीश कृपा करना कि मालिक सो रहा हो गहरी नींद में ताकि मैं चोरी कर लूं। चोर भी द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चोर भी ठाकुर जी को स्वीकार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि हम ठाकुर जी को स्वीकार करें, बड़ी बात यह कि उन्होंने हमें स्वीकार किया कि नहीं। तो अष्ट सखा गाते हैं एक बात कि भगवान हमको स्वीकार करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है। और तब अष्ट सखाओं में एक सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। ठाकुर जी हमको अपना कब बनाते, मुझे ये पद बड़ा प्रिय, मैं लगभग कथाओं में गाता हूँ और लोगों से कहता हूँ भैया इस भाव को सुनकर के स्वीकार करो कि ठाकुर जी कब अपनाते। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, कब ठाकुर जी जिसको स्वीकार करेंगे उसकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ताको मन भक्तन की सेवा, 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 हरि जन हमको दिख जाता है तो हम लोग बावले हो जाते हैं, होता है ना। कई बार हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर कोई फिल्म स्टार जा रहा हो, कोई क्रिकेट स्टार जा रहा हो, तो बहुत बड़ा नामी एंटरटेनर जा रहा हो तो लोग उसके पीछे भागते हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई पीछे पीछे, ये पूर्ण संसारी का लक्षण दिखता है। लेकिन जैसे ही कोई संत दिखे, जैसे कोई वैष्णव दिखे, कोई तिलकधारी दिखे, कोई गले में माला पहना, कोई वैष्णव रूप का दिखे, आप बावले से हो जाओ, उसको प्रणाम करने, आप भले उसको नहीं जानते लेकिन उसके रूप को देख करके, उसके भेष को देख करके, उसके भाव को, उसके माथे का तिलक देख के, उसकी धोती देख के आपके मन में हो जरूर द्वारिका से, वृंदावन से, अयोध्या से इनका कोई संबंध है, आप तुरंत जाके उसको प्रणाम करो, भले ही वो आपका अपरिचित है। ये एक वैष्णव का लक्षण है, और वैष्णव का भी नहीं, ये ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया, ये उस बात का प्रमाण है कि तुमको उनको देख करके प्रणाम करने की इच्छा हुई। अभी आप थे हमारे साथ अहमदाबाद में, अभी अहमदाबाद हम लोग उतरे उस दिन परसों रात्रि को, तो सत्य में एक अपरिचित खड़े थे सामने, धोती पहनी हुई थी उन्होंने, तिलक लगा रखा था। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं,
उन्होंने 3 बार मेरे से नजर हटाई, ऐसे ऊपर से नीचे देख के ऐसे हो गए, पर ऐसे देखा पर ऐसे हो जाए। लेकिन मैं जबरदस्ती उनके पास गया और मैंने कहा जय श्री कृष्ण। बोले जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब हम आगे चले गए, ये सब बोले आप जानते थे इनको? मैंने कहा नहीं। तो बोले फिर आपने प्रणाम क्यों किया? मैंने कहा तिलक लगा रखा था, धोती पहनी हुई थी, इसलिए प्रणाम किया। अब मैंने कहा पीछे मुड़ के देखो, वो मुझी को देख रहा होगा, वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा वो रस्ते भर सोचेगा कि अपरिचित था, फिर भी ये मेरे को जय श्री कृष्ण बोल के गया। आगे से उनको कोई ऐसा मिलेगा तो वो भी जय श्री कृष्ण बोलेंगे अपनी तरफ से। यही तो प्रमाण है कि ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। मैं तो डंके की चोट पर बोलूं, मुझे नाथ ने स्वीकार किया। मैं उनको स्वीकार करूं ये नहीं, वो भी मुझे कर चुके, मैं योग्य नहीं हूं उसके। मुझे ब्रज में जन्म दिया, पहला स्वीकार का प्रमाण। ऐसे पिता प्रदान किए, ये दूसरा स्वीकार का प्रमाण। व्यासपीठ प्रदान की, तीसरा स्वीकार का प्रमाण। अपनी निज सेवा दे दी, ये चौथा स्वीकार का प्रमाण। मैं और कितने प्रमाण रख, मैं लेकिन चाहता हूं कि ऐसा स्वीकार ठाकुर जी सबको कर लें। पर जिस सुख में है हम, ब्रह्म सौख्यम त्वरंतम, उस सुख की प्राप्ति हो। मुझे अभिमान इस बात का नहीं कि मैं भक्त हूं, वैष्णव हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बिल्कुल भक्ति नहीं जानता, बिल्कुल वैष्णवता नहीं जानता। ये कुछ जो भी बोल रहा हूं, ये भी हमारे पूज्य पिताजी नाना जी की तपस्या का प्रतिफल है। लेकिन इस बात को अहंकार से कहूंगा कि ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का, बाकी कुछ मेरी योग्यता नहीं है। आप मुझे प्रणाम करो, मुझे देख के वंदन करो, मुझे माला पहनाओ, ये सब योग्यता मेरे पिताजी की वजह से है। मुझे उनकी तपस्या है, मेरे अंदर केवल और केवल मेरे ठाकुर जी मेरे हैं और मैं उनका हूं। कई बार तो मैं श्रृंगार भी, अब आजकल बालक सीख गए तो मैं कम ही करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को ये है कि ये है तो मेरा ही, चाहे कोई भी श्रृंगार करे, कोई भी भोग लगाए, रहेंगे तो मेरे ही, मेरे साथ ही। ये स्वीकार्य करण, यही तो हमें चाहिए। ये भक्ति का पथ क्यों है? ताकि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें। दुनिया ठाकुर जी को स्वीकार करती है, लेकिन विशेषता तब आवे जब ठाकुर जी हमको स्वीकार। जब अपनों करी जाने गिर कर, जब ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि नहीं बताओ? किया ना। और इस बात का प्रमाण हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बलबुद्धि विद्या देव मोहे हरों कलेश विकार। श्री गोस्वामी जी वहीं प्रस्तुत कर देते हैं, मेरी योग्यता नहीं कि मैं रघुनाथ जी का चरित्र लिख सकूं। तो ये योग्यता कैसे मिली? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। और वही बात यहां पर अष्ट सखा कह रहे हैं, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिर दर, जब ठाकुर जी जब हमको स्वीकार करते हैं
तो वैष्णवों को देख करके वो स्थिति होती है जो संसारी लोगों को किसी फिल्म स्टार को देख के हो जाती है, बल्कि वो तो स्थिति केवल इसलिए कि इसके पास हम चले जाएं, थोड़ा फोटो खिंचाएं, तब दुनिया को दिखाएं, ये स्थिति भी एक संसारी है। लेकिन वैष्णव की स्थिति एक दूसरे वैष्णव को देख करके ऐसी हो जाती है कि बस ये मेरे सामने बैठे रहे, कुछ हरी चर्चा सुना दें, मैं आनंदित हो जाऊं, मंत्रमुग्ध हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर हो जाए। आइंदा कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी एयरपोर्ट पर, कभी बस में, कभी गाड़ी में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, दिल्ली में, अमेरिका में, कहीं भी कोई वैष्णव दिखे ना, भले ही अपरिचित हो। वैष्णव किसे कहते हैं? जिसके माथे के तिलक को देख करके, जिसकी शिखा को देख करके, जिसके भेष को देख करके लगे कि ठाकुर जी का है। कोई भी एक चिन्ह वैष्णव का उसके अंदर हो, अपनी तरफ से उसको प्रणाम करना। बिल्कुल विचार मत करना कि क्या सोचेगा। और एक और बात, कहीं नहीं कि प्रणाम करके उसका परिचय भी पूछने लग जाओ, आप कौन हो, कहां से हो, परिचय भी मत पूछो। बस वो ठाकुर जी का, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको जानना, कहां से है, कौन है, क्या है। उसने तिलक लगाया है, उसका स्वरूप वैष्णव का है, आप अपनी तरफ से प्रणाम करो। ये दो स्थिति में ही प्रणाम हो सकता है। या तो तब होगा जब ठाकुर जी हमको अपना लेंगे, तब अपने आप सहज ही होगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि विभीषण जी अपने स्थान पर बैठे, कमरे में बैठे ठाकुर जी का यजन कर रहे थे, हनुमान जी रूप बदल के घूम रहे थे। जैसे ही हनुमान जी विभीषण के यहां पहुंचे, तो कहते हैं कि विभीषण जी एक टक हनुमान जी को देखने लगे और देखते रह गए, और थोड़ी देर में हनुमान जी रूप बदल के आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, लेकिन विभीषण उनके पास जाता है, उनके चरण छू लेता है। हनुमान जी थोड़े पीछे हुए, बोले आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो, आप तो राम भक्त हो, राम भक्त के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते हो, आप हमको वंदन क्यों कर रहे हो। तो विभीषण जी कहते हैं, पता नहीं आप कौन हो, लेकिन जब से आप आए हो ना, तब से आपको देख के पता नहीं मेरे को राम जी को और पाने की इच्छा हो रही है। मेरा मन कर रहा है मैं उनका और भजन कर लूं, मैं उनका और सेवा कर लूं, मैं उनकी और वंदना कर लूं। आप जब से आए हो तब से औरा ऐसा हो गया है मेरे स्थान का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भजन करता हूं उससे दुगना कर लूं अभी। तो निश्चित ही आप कोई हरि भक्त ही हो, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। हनुमान जी प्रकट हो गए अपने रूप में, धन्य है विभीषण। भक्त का परिचय भाव से है, उसके वचनों से है, लेकिन प्रथम परिचय उसके स्वरूप से भी है। तो हम चंद्रपाल राजा की कथा सुन रहे थे। तो चंद्रपाल राजा जो थे, ये करौली के राजा थे, लेकिन भक्तों की बड़ी इन्होंने दुनिया के राजा अपने राजभवन के चार चार कोस दूर सैनिक लगा के रखते थे कि भाई कोई दुश्मन ना आ जाए, सब लोग तैनात खड़े रहना अपने हथियारों को लेकर के। लेकिन चंद्रपाल राजा के राज्य में कुछ विचित्र ही था, चार चार कोस दूर पर सैनिक लगा रखे थे, लेकिन हाथ में माला और पुष्प और गुलाब जल का छिड़काव करके सब सैनिक खड़े रहते थे कि कहीं दूर से कोई तिलक धारण किए, कंठी माला पहने, कोई वैष्णव दिखाए आता हुआ तो नाचते गाते हुए गाजे बाजे के साथ कोसों दूर भी कोई दूसरे मार्ग पर भी जा रहा हो, कोई अन्यत्र कहीं जा रहा हो, उसको भी प्रणाम करके निवेदन करना, दो मिनट के लिए मेरे राजमहल में आ जाए। उसने अपनी सेना इसीलिए लगा रखी थी कि वैष्णवों को दूर दूर के लाओ, इतना वैष्णव निष्ठ था। और महाराज स्थिति इतनी नहीं, कोई भी बेचारा कोई साधारण सा ही तिलक लगा के चला जाता था और राजा के महल के बाहर से कहीं से निकल जाता चार कोस दूर से, तो सैनिक उसके हाथ जोड़ते, पांव पूछते, माला पहनाते, गुलाब जल का छिड़काव करते, बोले हमारे राजा की आज्ञा है। कोई भी वैष्णव दिखे प्रार्थना करना, वो रुचि हो उनको तो उनको ले आना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप चलिए ना, हमारे राजा का भाग्य उदय होगा आप जाएंगे तो। तो वैष्णव बोलते, अरे वाह भाई, ऐसा वैष्णव निष्ठ राजा, इसके तो दर्शन करने चाहिए।
महाराज मानो जैसे 365 दिन व्यवस्था उसके यहाँ ऐसी जैसे आज आपने यहाँ स्वागत की व्यवस्था की, ढोल लंगाड़े बज रहे, पुष्प बज रहे, तो ये 4 दिन की व्यवस्था है। लेकिन राजा के यहाँ ऐसी 365 दिन रहती थी। सारे सैनिक नए कपड़े पहनेंगे, सारे गाँव वासी सब नए कपड़े पहनेंगे और सबके यहाँ तैयारी रहेगी कि कोई वैष्णव आए तो सब पुष्प वर्षण करोगे, सब जय श्री कृष्ण बोलोगे, सब उनका कीर्तन करोगे, सब दक्षिणा प्रदान करोगे। ऐसा राजा श्री नाभा जी ने भक्तमाल में राजा चंद्रपाल का इतना यश गाया, बोले ऐसा वैष्णव निष्ठ राजा हमने देखा नहीं। राजा के दरबार में प्रवेश करते तब तो पूछो ही मत, प्रणाम करते, चरण धोते, चरण का जितना जल होता सब पान करके पूरे नगर में छिड़कवाते, माला पहनाते, दक्षिणा देते और उसके बाद राजा रानी दोनों बिल्कुल निर्लज्ज होके उस वैष्णव को राज्य गद्दी पर बैठा के दोनों नृत्य करते। क्यों? बोले आज हमारे घर हरि का प्यारा आया है। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया प्यारे कृष्ण जी का प्यारा। राजा रानी दोनों नृत्य करते और इतना ही नहीं, जब वो वैष्णव भोजन आदि प्राप्त करके जाने लगते तो राजा रानी बिलख बिलख के रोते कि आप दोबारा कब आओगे। उनके इस प्रेम भाव को देख करके वैष्णव जन मुरीद हो जाते, सदा के लिए उनके नगर में ही रह जाते। स्थिति ये हो गई थी कि राजा के यहाँ पर अब सैनिक के नाम ही सैनिक होता था, लेकिन वो परम भागवत परम वैष्णव होते थे। ऐसा राजा चंद्रपाल। राजा के इस भाव की चर्चा दसों दिशाओं में होने लगी। एक राजा ने जब ये चर्चा सुनी तो उसने कहा, बोले ये सब तो बेकार की बात है, यहाँ तो पात्र कुपात्र का विचार ही नहीं किया जाता है। अरे किसी के भी पांव में पड़ जाना ये कोई सही बात है? कम से कम देखना चाहिए पात्र है कि नहीं। अरे सीता जी का हरण इसीलिए तो हो गया था क्योंकि रावण संत का वेश धारण करके आ गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए, पात्र कुपात्र का विचार करना चाहिए। और उस राजा ने क्या किया, एक साधारण से व्यक्ति को कहा कि तुम जाओ और सुनो तिलक माला पहन के जाना और देखते हैं क्या होता है। एक बिल्कुल विचित्र, बिल्कुल भगवत विहीन व्यक्ति को राजा ने भेज दिया और तिलक और माला डालना भूल गया, ऐसे प्रवेश कर गया राजा के यहाँ। सैनिकों ने प्रवेश नहीं करने दिया, हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज हमारे नगर में सबका आगमन है लेकिन वही आ सकते हैं जो वैष्णव है, आप वैष्णव नहीं है। भूल गया बेचारा, लौट के गया तो तिलक और माला धारण करके आया। अब सैनिक इतने भोले, वो जानते हैं कि अभी अभी आया था, बिना तिलक और बिना माला के आया था, ये वैष्णव है नहीं है। लेकिन अब ये जबरदस्ती तिलक माला अंदर प्रवेश के लिए डाल के आया तो भी सैनिकों ने रोका नहीं। हाँ अब ठीक है, अब आप जा सकते, जबकि वो अनाधिकारी था। राजा के यहाँ जैसे उसने प्रवेश किया, प्रवेश करके राजा समझ गए कि वैष्णव नहीं है लेकिन भेष वैष्णव का है, फिर भी माला पहनाई, चरण धोए और वही नृत्य करना, आनंद करना, सब कुछ किया। और राजा एक और काम करता था, दक्षिणा अपने आप नहीं देता था, अपने तहखाने में ले जाता, कहता जो आपको चाहिए ले जाओ। वो तो साधारण भगवत विहीन व्यक्ति था, उसने खूब सारे धन उठा लिए। राजा बोला मैंने आज तक अपनी तरफ से दक्षिणा किसी को नहीं दी लेकिन आपको दूंगा। तो एक डिब्बी में रेशम कपड़े में फूटी कौड़ी रख करके उसको दे और दी, बोले आपको जिसने भेजा उनको मेरी तरफ से दे देना। बहुत सारा धन लेकर के वापस उस राजा दूसरे नगर के राजा के यहाँ गया, सारा धन दे दिया और कहा, अंत में राजा ने ये डिब्बी और दी थी। डिब्बी खोल करके देखा, फूटी कौड़ी देख करके राजा तिलमिला गया, बोले ये क्या है। तो उनके यहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज राजा ने आपको सारी संपत्ति इसलिए दी क्योंकि आपने एक अनधिकारी को भी वैष्णव भेष दिया, तिलक और माला पहना दिए एक अनधिकारी को भी, उसके लिए तो राजा ने आपको संपत्ति दी लेकिन आपने एक दूसरे वैष्णव को परखने का प्रयास किया, परीक्षा का प्रयास किया, उसके लिए राजा ने आपको फूटी कौड़ी प्रदान की।
राजा और तिल मिला गया। उसने कहा, बोले अच्छा, बोले अब की बार एक काम करो, अब तो अनधिकारी गया था, अब अधिकारी को भेजूंगा, आप जाइए। ब्राह्मण से कहा, आप जाओ उसके। ब्राह्मण तो बड़ा भक्त था, भगवत भक्त था, ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण गए तो महाराज वही स्वागत सत्कार किया। अब ब्राह्मण कथा वक्ता भी था, तो राजा जब नृत्य करने लगा, नृत्य करके प्रणाम किया, तो ब्राह्मण ने कहा, बैठो राजन में कुछ सुनाता हूँ। तो ऐसी चर्चा सुनाई महाराज, राजा भाव विहल हो गए, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे यहाँ जो आता है सब प्रणाम करके आनंद करके सब चले जाते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महीनों तक उस ब्राह्मण को जाने नहीं दिया। महीनों बाद जब वो ब्राह्मण जाने लगा, तो राजा ने वही कहा, महाराज दक्षिणा जो आपका मन करे ले लो। तो वहां दो तोता और मैना बैठे थे, उन्होंने कहा, ये आपके यहाँ जो तोता मैना के जोड़ा है, इनमें से एक मुझे दे दो। तो मैना उसको दे दिया, और वो ब्राह्मण मैना लेकर के दूसरे राजा के यहां गए। बोले बड़े दिन में आए हो, बताइए कैसा था राज दरबार। बोले कि अब मैं नहीं बताऊंगा, ये मैना बताएगा। तोता का स्वभाव होता है बोलना। तो जैसे ही प्रवेश किया, तो वहां सब लोग सांसारी चर्चाएं कर रहे थे, संसार की चर्चाएं, ये सुंदर, ये कुरूप, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, इसने कितना कमाया, उसने कितना कमाया, इसका घर कैसा, उसका घर कैसा। राजा की सभा में सब यही सब चर्चा कर रहे थे। अब मैना डांट के बोले, अरे पापियों, कृष्ण कहो, राधा कहो, भगवत नाम कहो, क्या संसारी चर्चाएं करते हो। तो जब राजा ने पूछा कि उसके सभा का महिमा बताओ, बोले कि मैं ब्राह्मण क्या महिमा बताऊं, ये जीव बताएगा। बोले जीव भी जानता है कि सांसारी चर्चा करना पाप है, भगवत नाम कहो। बोले जिस राजा के यहाँ रहने वाला तोता मैना भगवत नाम गाते हैं, उस राजा के यहाँ के मानव की स्थिति क्या होगी, राजन विचार करो। तब वो राजा नतमस्तक होके सदा के लिए उस राजा के यहाँ गए, और वह भी वैष्णव हो गए। अब ये कथा हमने क्यों सुनाई, भले ही वो राजा रहता था करौली में, वृंदावन से मीलों दूर रहता था, लेकिन उसके देहाभिमान की स्थिति शून्य और हृदय की स्थिति उस चरम स्थिति में थी कि वृंदावन में तन से रहने वाला व्यक्ति इतना वैष्णव नहीं होगा जितना वो करौली में रहने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब तन का प्रवेश जरूरी नहीं है, हृदय का प्रवेश जरूरी है, चाहे भक्ति के पथ पे हो, चाहे वैष्णवता में हो, चाहे वृंदावन में हो। तन साफ बनाना, तन को सुंदर बनाना, तन को ही सब क्रियाएं करना, उससे भक्ति हृदय में कभी प्रकट नहीं होगी। हृदय निर्मल होना चाहिए, हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग वृंदावन चर्चा में अब थोड़ा आज भूमिका में ही गए हैं। कल का क्रम 4 बजे से रहेगा। आप सब लोग तो समय से ही आए होंगे, दास ने दृष्टता करके आज विलंब किया, उसके लिए क्षमा। लेकिन आज तो केवल एक प्रारंभ मात्र महात्म कह लो, बाकी के बचे हुए 3 दिन हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन आज कच्छ में जो हमको प्राप्त हुआ, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दें। वृंदावन के ये सप्तनिधि हैं, और एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता था कि ये सप्तनिधियों के कटआउट यहां रखे हैं। मैं तो स्थान पे भी नहीं आया था, वो तो जब गाड़ी से उतरा तब मुझे दिख गए, तो मैं तो और ज्यादा आनंदित हो गया, क्योंकि आज सवेरे सवेरे मेरे मन में आ रहा था कि वृंदावन रस चर्चा पे कुछ कहना है। तो सप्तनिधि ऐसा कुछ कीर्तन बनाया जाए जिसमें सप्तनिधियों के नाम आ जाए, और सप्तनिधियों को जिन जिन्होंने प्रकट किया उन आचार्यों के भी नाम आ जाएं। यू आर लिसनिंग टू महाकथा मेडिटेशन मंत्रास, द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड सोर्स फॉर हीलिंग मेडिटेशन मंत्रास फॉर पीस, पॉजिटिव एनर्जी एंड अबंडेंस।